एन एस 47 की तस्दीकशुदा फॉर्म 45 और दीगर मवाद की फराहमी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि सर्टिफाइड कॉपियाँ उनका बुनियादी और कानूनी हक है, क्यों नहीं दे रहे, क्यों ज़बरदस्ती लोगों के इलेक्शन से मुतालिक शकों को शबात बढ़ाए जा रहे हैं। अगर एक सीनियर कानूनदान बार सदर को इतनी भाग दौड़ करना पड़े तो आम लोगों का क्या होगा। तो आपको बताएं कि एन एस 47 के तस्दीकशुदा फॉर्म 45 और दीगर मवाद की फराहमी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत हुई है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN अदरीस अब्बासी से। अदरीस, इस समाअत से मुतालिक आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें कि हल्का एन एस 47 के काउंटर फाइल रिटर्निंग अफसर के अपलोड करदा फॉर्म 45 और उसके स्नैपशॉट्स की जो सर्टिफाइड कॉपियों की फरहमी का ये मामला है, जिस पर दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की है। दरख्वास्त गुजार उम्मीदवार हल्का एन ए 47 शुएब शाहीन जो है वो ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश हुआ है और उन्होंने कहा कि सर्टिफाइड कापियों की फरहमी से मुतलिक अदालती हुक्म अदबली जो है वो की गई है। अदालत ने मुतलका दस्तावेजात की सर्टिफाइड कापियाँ फराहम करने की हिदायत की थी जो ताहाल नहीं मिली। सूबाई इलेक्शन कमीशन पंजाब में केस से मुतलिक बात हुई है, जल्द इनको कॉपियां फराहम की जाएंगी। आपका शुक्रिया, आपने कहा।